हेलो मेरी जान, आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि जान ये इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट किया फ़ोटो मेरी क्रिसमस का, इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे डालो। तो आप लोग के बीच में ये वीडियो लाया हूँ, आप लोग के बहुत ही डिमांड था इसलिए इस वीडियो को ला दिया हुआ हूँ यूट्यूब पे। ठीक है मेरी जान, तो आप लोग इस वीडियो पे पूरा सपोर्ट आशीर्वाद बना रखेगा। और आज की इस वीडियो में आप लोग को भाई बताएगा कि कैसे कैसे इस तरह का मेरी क्रिसमस फोटो एडिटिंग करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताए होंगे लेकिन सब लोग का फेक होगा। ठीक है मेरी जान, तो आप लोग वीडियो को इस ध्यान से देखिएगा। कुछ इस टाइप से हम लोग का फ़ोटो रहेगा, कोई भी फ़ोटो रहे मेरी जान, आप लोग उसको ले लीजिएगा और उसको लाइटरूम ऐप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिटच करने के लिए, तो हम रिटच कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ से ला लेंगे अपने लाइटरूम में। लाइटरूम में लाने के बाद मेरी जान आप लोग क्या करना होगा, यहाँ से लाइट के ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड यहाँ से आने के बाद यहाँ पे शैडोज को हल्का सा बढ़ाकर हाईलाइट को कम करके वाइट को कम कर देना होगा। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा लेते हैं और उसके बाद कलर्स पे आएंगे। यहाँ पे मिक्स टूल जो है ना, इस पर आ जाएंगे मिक्स वाले टूल पे। एंड यहाँ से ये जो है फेस के लिए, ठीक है मेरी जान, तो दूसरे नंबर के, तो फेस को हल्का सा पीछे करके सिचुएशन को और लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा फेस वाइट और फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे, इसका सिचुएशन बढ़ाकर लुमिनेंस हल्का सा कम कर और यू को कम करेंगे और लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। सो ये सब देख लेना मेरी जान आप लोग। और यहाँ से येल्लो का सिचुएशन घटा देंगे, ग्रीन का भी सिचुएशन घटा देंगे। एंड यहाँ से जो है कि डन करेंगे फ़ोटो को, हम लोग क्या करते हैं सेव टू डिवाइस कर लेते हैं। ठीक है मेरी जान, आगे आप लोगों को स्टॉप बताता रहूँगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से फ़ोटो हम लोग का गैलरी में आ चुका है, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से शेयर करते हैं अपने फ़ोटो रूम में। तो फ़ोटो रूम मेरा कहाँ है, मिल नहीं रहा है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फ़ोटो रूम ऐप ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का फ़ोटो रूम, इसको ओपन कर लेते हैं भाई। एंड ओपन करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन देगा स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटोज कर लेंगे। एंड यहाँ से हम लोग का जो फ़ोटो है उसको क्लिक कर लेते हैं। देन क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड रिमूव बैकग्राउंड होने के बाद जो ये वाला ऑप्शन है हम लोग का ट्रांसफॉर्मेट का, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, कहने कि डाटा बहुत ज़्यादा स्लो है मेरा। तो ट्रांसपेरेंट पे आकर यहाँ से इस फोटो को हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हम लोग का बैकग्राउंड इरेज हो गया होगा, मतलब कि कट हो चुका होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेते हैं यार, फिर से यहाँ से सेव टू गैलरी। मेरा डाटा स्लो है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा, हो गया मेरा ये डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गैलरी ओपन करते हैं और गैलरी में ये वाला बैकग्राउंड हम लोग को, इस बैकग्राउंड का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा इस वीडियो, इस बैकग्राउंड और PNG का लिंक सबका। तो यहाँ से पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लेते हैं। देन पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। एंड ऐड फोटो पे क्लिक करते ही हम सब का जो है कि फ्रेंड यहाँ से बैकग्राउंड जिसका कटा रहेगा वो फ़ोटो आ जाएगा। तो यहाँ से इस फ़ोटो को कुछ इस टाइप से ले लेते हैं और कुछ इस टाइप से लेने के बाद यहाँ से ये जो फ़ोटो रूम का ये लोगो दिखा रहा है, दे रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से ऊपर की साइड क्लिक करके इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो रूम हट जाएगा, यहाँ से डन करते हैं। ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये जो दो PNG हैं फ्रेंड, इन दोनों PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से सबका PNG मिलता रहेगा फ्रेंड। ठीक है, जो जो नए PNG रहेगा। और कुछ इस टाइप से इस हम लोग कैप को भी लगा लेते हैं। ठीक है मेरी जान, तो इसको कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं अच्छे ढंग से। तो यहाँ से जो इरेज की बटन पे क्लिक करके ऊपर के साइड जो है इसको हल्का सा इरेज कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे ऊपर की साइड, एंड यहाँ से भी राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ टूल पे आते हैं। ड्रॉ टूल पे आने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके फ़ोटो को हम लोग कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ से हम सब ओपन करते हैं अपना गैलरी फिर से। देन गैलरी ओपन करने के बाद यहाँ पर ये रहा फ़ोटो। तो इस फोटो को फ्रेंड हम लोग यहाँ से शेयर करते हैं अपने ऑटोडेस्क में, स्केच बुक में,
एंड यहाँ से कर लेते हैं स्मूथ, स्मूथ करने के बाद हल्का सा कुछ करते हैं फ्रेंड रिटच। तो ये वाला ब्रश ले लेंगे, ये वाला सॉफ्ट स्मर्ज वाला, और इसका हम सब ये फ्लो रख लेंगे, ये स्ट्रेंथ रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से साइज को बड़ा कुछ इस टाइप से स्मूथिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्मूथिंग यहाँ से होता है भाई। सिर्फ इतना ही हम लोग करते हैं फेस को सिर्फ स्मूथ भाई। एंड यहाँ से इसको सेव टू डिवाइस कर लेते हैं, और इस फोटो को हम लोग अगेन शेयर करेंगे अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम लोग का ये फोटो सेव हो चुका है, एंड यहाँ से हम लोग का गैलरी में ओपन हो भी चुका है। तो इस फोटो को हम लोग शेयर करते हैं फिर से लाइटरूम में, एंड वहाँ पे दिखाते हैं कमाल, ठीक है मेरी जान। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। यहाँ से दोबारा से ओपन हो चुका है हम लोग का लाइटरूम में। यहाँ से आते हैं सीधे कलर्स पे, मिक्स टूल पे, एंड यहाँ से हल्का सा टोपी का कलर चेंज करेंगे, रेड करेंगे, एंड सेकंड पार्ट पे आएंगे, सेकंड वाला का थोड़ा सा सैचुरेशन घटा के लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। देन यहाँ से डन करते हैं, फिर आएंगे इफेक्ट में, यहाँ से क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे DH को 10% तक, और यहाँ से हल्का सा कम कर देंगे फ्रेंड विग्नेट को। फिर आप लोग देख सकते हैं फोटो हम लोग का एक नंबर का हो चुका भाई फोटो। सब बैकग्राउंड PNG का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से फोटो सेव कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिएगा दिल से भाई।